जय श्री कृष्णा, जय मां ब्रह्माणी, जय श्री श्याम। आप सभी को राधे राधे। मैं सिंगर अक्षिता रावल आप सभी के बीच में कोटा की पावन धरती से आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे अपने अपने घर पर। और अभी प्रोग्राम भी थोड़े कम चल रहे हैं तो सभी कलाकारों को घर बैठे मेरा नमस्कार। आज अक्षिता जी यही कहना चाहेंगी आप सभी से कि मेरे बहुत जल्दी भजन आने वाले हैं वापस AR स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर, और भजनों को आप देखना ना भूलें। जो मेरे पहले वाले भजन थे उनों में आपने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत पसंद किया उन भजनों को, और ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, आशीर्वाद बना रहें आप सभी गुरुजनों का, बड़ों का। तो अक्षिता जी का नाम आपसे है, मैं जो भी हूँ आज आपसे हूँ, आप सभी का सपोर्ट रहे मेरे ऊपर हमेशा। और बहुत जल्दी ही, मतलब एकाध दिन में एक भजन मेरा आ चुका है और एक भजन शायद मेरा कल आने वाला है, और मेरे कम से कम 8 भजन हैं जो कि एक एक करके बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाले हैं बहुत जल्दी ही। और काफ़ी दिनों से माँ दुधियाखेड़ी मंदिर से, माँ के दरबार से, जो भी माँ दुधियाखेड़ी के भक्त हैं, काफ़ी दिनों से मेरे पास कॉल भी आए हैं, डिमांड आती हैं कि अक्षिता जी आपने जो चमक मंदरिया भजन बनाया है माँ ब्रह्माणी का सोरसन वाला, वैसा ही भजन आप दुधियाखेड़ी माता का निकालिए। तो काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम साल भर हो गया मेरे से बोलते हुए कि आप ये भजन बनाओ, ये भजन इसमें दुधियाखेड़ी माता जी में बना दीजिए। तो आज मैं आप सभी जो भी दुधियाखेड़ी माता जी के आसपास के गांव वाले हैं, सभी भक्त हैं जो आप दुधियाखेड़ी को दिल से मानते हैं, तो उनसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कमेंट में जय माँ दुधियाखेड़ी जरूर लिखें। और दुधियाखेड़ी वालों से यही कहना है कि बहुत जल्दी चमक मंदरिया भजन जैसा ही माँ दुधियाखेड़ी का मंदिर का भजन आने वाला है आप सभी के बीच में बहुत जल्दी। और इसके अलावा मैंने एक और माँ दुधियाखेड़ी का भजन बनाया है और भोलेनाथ का भजन एक मेरा आ गया है इसके पहले परसों नरसों को, और एक भजन मेरा कल आने वाला है, और तेजाजी महाराज का भी भजन है, मीराबाई का भजन है, गौ माता का भजन है और तुलसा जी का भजन है। मेरे बहुत अच्छे भजन आप सभी के बीच में मैं पेश करने वाली हूँ, जो आप बारी बारी से सुनते जाइए और बहुत 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 ज़्यादा शेयर करना। गौ माता का भजन भी बहुत अच्छा है, तुलसी माता का भजन भी बहुत अच्छा है, मीराबाई का भजन भी बहुत अच्छा है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे भजन पसंद आते हैं और आगे भी आएंगे, ये वाले भजन भी आप पसंद करोगे। सारे भजन DJ पे फुल धमाका कर देंगे, फुल धमाकादार भजन है, तो आप सभी DJ पर बजाएं। जितने भी मेरे भाई हैं DJ वाले, कमल जी नागर, शिवराज जी भैया, बहुत जैसे कि सांगोद वाले प्रेम भैया, समर DJ वाले, काफ़ी सारे हैं हमारे राजस्थान के DJ वाले, उन सभी से निवेदन है, मेहता DJ साउंड रेलावन सभी से यही, मोरपा के जो हमारे उत्तम भैया हैं, सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे भजनों को आप अपने DJ पर खूब बजाएं और माता बहनों को खूब नचवाएं। यही माँ ब्रह्माणी का आशीर्वाद रहे सभी के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आ रहे हैं मेरे भजन इनको शेयर करें। MP3 में ही डालूंगी देखो मैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है बच्चे की वजह से, तो भजन वीडियो में नहीं आएंगे इस बार, MP3 में आएंगे। लेकिन सभी से यही विनती करूंगी, ऐसा नहीं कि MP3 देख के आप लोग भजन को इग्नोर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सुने, शेयर करें, और माँ ब्रह्माणी का प्यार और आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे। और प्रोग्राम भी बहुत जल्दी चलने वाले हैं सभी के, तो जैसे ही प्रोग्राम में आप सभी जाएं तो प्रत्येक DJ पर भोलेनाथ का, माँ ब्रह्माणी का, दुधियाखेड़ी का, गौ माता का, मीराबाई का और तुलसी माता का, सबका भजन आप DJ पर भजवाएं। और बहुत जल्दी ही आपके बीच में आने वाले हैं, एक आध दिन में आपके बीच में तुलसी माता का भजन भी आने वाला है सांवरिया सेठ का। तो आप सभी से यही विनती है हाथ जोड़ के कि सभी भजनों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और जो आपने मेरा चमक मंदरिया भजन पूरे राजस्थान नहीं, पूरे मतलब MP UP सभी में ये भजन अच्छे से जोर से बजा है, तो वैसे ही ये जो मेरे आने वाले 8 भजन हैं ये भी वैसे ही धमाकेदार बजे, और सभी का प्यार और आशीर्वाद, माँ ब्रह्माणी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माँ ब्रह्माणी, जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।